अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जी किचन। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे लेमिंगटन कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशनल डेलिकेट है। ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसे बनाकर 1 वीक तक रख सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए शुगर, मैदा, 3 अदर डंडे, दूध और बेकिंग पाउडर और एंस। सबसे पहले हम अंडों को बाउल में ऐड करेंगे और अंडे हम रूम टेम्परेचर पर रखे हुए यूज़ करेंगे। केक बेकिंग के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडे यूज़ करने चाहिए। अब हम अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। एक मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आप घर में भी चीनी को पीस कर ऐड कर सकते हैं। चीनी और अंडे को हम बहुत अच्छे तरीके से बीट करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बीट करेंगे। टेक्सचर बहुत ही लाइट और एयरी लगेगा। अगर आप बेकिंग में चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आपको बीट बहुत अच्छे तरीके से करना होगा ताकि चीनी के जरिए नीचे ना रहें। और अंडों को बीट करते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बन चुका है। अगर आप इसे फिंगर के साथ टच करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत ही क्रीमी है। अब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन एंड्स के ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप ऐड करें। अब हम 2 टेबलस्पून गरम दूध ऐड करेंगे। ज़्यादा गरम दूध ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा गरम होना चाहिए। इसे अब हम बीट कर लेंगे। टेक्सचर हमारा जितना अच्छा बीट होगा उतना ही अच्छा हमारा केक बनेगा। हमारा टेक्सचर बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। अब एक अलग बाउल में 1 कप हमने मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। जब भी हम केक बनाएंगे तो मैदे और बेकिंग पाउडर को हमने इकट्ठा छान लेना है। अगर हमने छाने बगैर यूज़ किया तो हमारे केक में लम्स बन सकते हैं और ख़राब हो सकता है, इसलिए हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा यकजा करेंगे और उसके बाद छान लेंगे। मैदे और बेकिंग पाउडर को हम अब अंडे में ऐड कर देंगे जो हमने बीट किया था। अब हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे इसे लाइट हाथों से। आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। केक पैन में ऑयल और बटर पेपर लगाकर इसे तैयार कर लेंगे और इसमें टेक्सचर ऐड कर देंगे। स्पैचुला की मदद से हम तमाम अमेज़ा पैन में निकाल लेंगे। अमेज़े वाले केक पैन को हाथों में उठा के हम हल्का सा ज़मीन पर मारेंगे ताकि अमेज़ा इक्वल हो जाए। हमने कढ़ाई को 10 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। केक वाले पैन को अंदर रख के अब हम कवर कर देंगे। इसे बेकिंग होने के लिए तकरीबन 30 से 45 मिनट लग जाएंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। चॉकलेट बनाने के लिए हमने 1/2 कप दूध लिया है और इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें घी या बटर का यूज़ करेंगे। शुगर ऐड करके इसे हम उतार लेंगे। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमारी चॉकलेट बन चुकी है। चॉकलेट को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि चॉकलेट का टेम्परेचर लो हो जाए। हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम बटर पेपर से इसे अलग कर लेंगे। हमारा केक का कलर बहुत अच्छा आया है। 2 इंच के फासले पर गैप देकर मैंने केक पीस काट लिए हैं।
पहले हम कोटिंग करेंगे चॉकलेट की। केक पर चॉकलेट अच्छे तरीके से लगा कर इसके बाद हम कोकोनट पाउडर में ऐड करेंगे। हम चारों तरफ से इसे अच्छे तरीके से कोकोनट पाउडर लगा लेंगे। आप इसे 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बना कर और किसी एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेमन टर्न बनकर तैयार है। बाकी तमाम पीसीस को हम पहले चॉकलेट में ऐड करेंगे और उसके बाद हम कोकोनट पाउडर में ऐड करेंगे। इन तमाम पीसीस को इसी तरह तैयार कर लेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपका भी केक बनकर बहुत अच्छा और सॉफ्ट तैयार होगा। आप बहुत ही कम बजट में ये केक तैयार कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट फेमस रेसिपी है जिसे आप बहुत कम वक्त में खुद इजीली ओवन के बगैर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सॉफ्ट यमी लिमिंगटन बनकर तैयार है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।